महाराज जन्मेजय जी को वैशंपायन जी ने यह महाभारत की कथा सुनाई थी। और वो स्थान कौन सा था जो एटा से सिकोहाबाद को रोड जाता, उसमें पारम स्थान पड़ता है। इस पारम के स्थान में महाभारत की कथा को सुनाया था। अरे तुम्हें उठवा दे, जानते चुप रहो बेटा, देखो तुम्हें जाते उठा दे तो तेरी बेइज्जती तो हो गई। तो जिस समय महाराज जन्मेजय के शरीर में कोड फूट गया था और वेदव्यास जी ने कहा था कि तुम महाभारत का बखान सुनिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, महाराज जन्मेजय जी अगर तुम महाभारत की कथा को सुनोगे तो बीच में कहीं शंका मत कर जाना, क्योंकि कथा होता ही शंका का घर है। अब हमसे भागवत कथा कहने बहुत दूर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछते हैं कि सर तुम भागवत कथा कहते हो तो जी बताओ तुम के आदमी कैसे है वो। अब भैया हम तो हाथ जोड़ के देते मालूम है हमें ना हाथ हम ना, अब्बा मुझे लिख रही है वो मैंने कह दी। लेकिन तर्क कभी खत्म नहीं होता। और एक बात जीवन में ध्यान रखना कि सामर्थ्य को ना दोष गुसाई और रब पावक सुरसर की, इस बात की कभी उम्मीद करते थे क्या पहले ऋषि और महर्षि इस भारत की धरती पर इतने बड़े विद्वान थे, कर आदमी को नजर भर के सांप लगा दिया, उस आदमी को औरत बना दिया, ये पहले होता था। और सही बताना विज्ञान ने ये करके नहीं दिखा दिया, आप देखते होगे मोबाइल पे ये करके दिखा दिया, लेकिन आज से उस समय का विज्ञान बहुत आगे था। लेकिन महाराज जन्मेजय जी कथा सुनते रहे इस पारम के स्थान में, लेकिन फिर भी शंका हो गई, शंका हो गई थी। लेकिन जन्मेजय जी को वैशंपायन जी बताते हैं कि महाराज ध्यान देकर के सुनिए, एक बार जब द्वारकाधीश कृष्ण और द्वारका के शासक बन करके रह गए थे। देखिए एक बात बहुत अच्छी बताएंगे, सब ध्यान से सुनना। भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतार आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए, लगभग 200 देश हैं। राम और कृष्ण जैसे अवतार हुए तो तुम्हारे भारत में, और किसी देश में नहीं। लेकिन इनके भी नाम बदलते गए। अवतार लिया भगवान राम ने तो जिस समय जन्म हुआ, अवतरित हुए अयोध्या में, तो श्री राम थे। जब अवतार लिया उस समय श्री राम थे, और जिस समय 11 वर्ष के राजकुमार बने अयोध्या में उस समय श्री रामचंद्र थे। और अब की बार बताऊंगा राम के नाम की ताली बजा देना साहब, क्या जिस समय वही राम और 14 वर्ष तक अपने भाई और पत्नी को लेकर के वनवास की तपस्या करके आते हैं, तब वही भगवान श्री राम कहलाते हैं। ये तो अंतर वहां रहा। यहां जब गोकुल में नाम रखा गया तो उस समय कृष्ण है, उस समय कृष्ण है। और जब गोकुल को छोड़ करके और मथुरा के लिए चले जाते हैं उस समय कृष्ण चंद्र है। लेकिन यही रूप अब की कन्हैया के लिए अपनाना, क्या जब कोई मथुरा को छोड़ करके द्वारका में चले जाते हैं उस समय द्वारकाधीश कृष्ण, नाम यह परिवर्तन होता है कर्म के आधार से। आप कर्म करिए, इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे मानव तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, सबसे पहले कह रहे हैं हमारे नाती पैदा है जाए तो गोवर्धन की परिक्रमा देंगे, कब देंगे नाती है जाओ तो भैया तुम परिक्रमा दे आओ, नाती तो ही जावे हो, पहले कर्म तो करो, पर कर्म नहीं फल पहले चाहिए। और यही आज वैशंपायन जी कहते हैं कि महाराज ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे पूर्वजों का व्याख्यान बता रहा हूं, लेकिन शंका मत करना। तो
कथा सुनते रहे। आज तब बताया भाई संपान जी ने कि जिस समय द्वारकाधीश कृष्ण बन करके रह गए थे तो उस समय उनके ज्येष्ठ भ्राता थे बलराम। ध्यान रखना उनका नाम बलराम क्यों था, क्या पूरे विश्व में आज तक उनके बराबर किसी की काया में बल पैदा हुआ ही नहीं। राम तीन ही हुए, सबसे प्रथम परशुराम, दूसरे भगवान श्री राम और तीसरे बलराम। लेकिन बलराम के घर में एक जब बेटी पैदा हुई उस लड़की का नाम क्या था? अरे पारी मकी बा धरती पे ₹50 श्री बाल किशन ड्राइवर जी उनकी तरफ से ही। हेलो, तुम्हें मालूम है साहब तीन ही जनों के सामान लगाते हैं अपने देश में, डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब और तीसरे। ध्यान रखना उस समय जब लड़की बर के योग्य हो गई थी तो आज बल्लाम के सामने यह प्रस्ताव आया कि बेटी विवाह के योग्य है।
एक बात जीवन में ध्यान रखना, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। 1000 काम को रोक देना चाहिए पर बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो महाराज जब बेटी भवन में सियानी है श्रोता बंधु, उसी समय जब बलराम ने यह बात सुनी है कि मेरी बेटी बर के योग्य हो गई है तो करते क्या थे? सोच समझ के से लेकिन आज घर में बेटी विवाह के योग है तो तुमने